नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज 81 एंटरटेनमेंट। आइए ले चलते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट की तरफ। अभी दिवाली बिल्कुल नजदीक है, आपके क्षेत्र की सफाई व्यवस्था उनसे चढ़ाई हुई है, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। अभी आज भी यहाँ पे एक नितिन लांबा ने मुझे फोटो भेजी, मैंने फेसबुक पे लगाई भी है, और सफाई व्यवस्था की बहुत हालत ख़राब है। और जब अभी ये कॉलोनी की बात करो, 7 ब्लॉक की जो फोटोएं हैं, वहाँ पार्क के पास मलबे के ढेर लगे हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है। और अभी दिवाली आने वाली, और सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली और छठ पूजा एक सफाई से जुड़ा त्यौहार है, इसी बहाने सफाई होती है। जैसे हम अपने घरों की सफाई करते हैं, तो जो हमारे NDMC है, नॉर्थ दिल्ली की जो अपना निगम है, इनको इलाके की सफाई करनी चाहिए, लेकिन इलाके की हालत बहुत ख़राब है और कोई भी जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनका ध्यान इस ओर नहीं है। हम तो खैर अवेयरनेस के लिए फेसबुक पे लगाते हैं, लेकिन बड़ी शर्म की बात है। आप कहीं भी चले जाएं, चाहे वो रमेश नगर हो, मानसरोवर गार्डन हो, कीर्ति नगर हो, पर्टिकुलर में 101 नंबर वार्ड की बात कर रहा हूँ, सफाई की बहुत बुरी आदत है। खत्तों में आप देखो जाके कूड़े के ढेर नज़र आते हैं, कूड़ा उठता नहीं है रोज़ के रोज़। मतलब ये चीज़ें, जैसे आप अपने घर में कमरे को रोज़ साफ़ करते हैं, रोज़ झाड़ू लगाते हैं, रोज़ कूड़ा उठाते हैं, खत्ते भरे पड़े हैं, और क्लस्टर एरिया में तो और भी बुरा हाल है। ये तो भगवान भरोसे इस बार जो है डेंगू हुआ तो है, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि केस कम हुए, लेकिन यहाँ पे नगर निगम ने अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं, ये तो भगवान ने बचा लिया। और सफाई व्यवस्था वाकई में बहुत ख़राब है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है, इसको करने की ज़रूरत है काम को। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी जो लेटेस्ट विकास कार्य हुए हैं माननीय MLA जी के नेतृत्व के अंदर मानसरोवर में, उधर उसके बारे में कुछ बताएं। विधायक शिवचंद गोयल जी जब से क्षेत्र में विधायक बने हैं और तब से उनकी बहुत मेहनत से वो कार्य कर रहे हैं, पब्लिक से मिलना, विकास के कार्य करवाना, नए एस्टीमेट बनवाना, और उसमें फंड्स जो दिल्ली सरकार से मिला 10 करोड़ रुपया, उसको कैसे कैसे यूज़ वो करना। अभी रिसेंटली मैं बताऊँ आपको, तो अभी जो मानसरोवर गार्डन का सर्वोदय विद्यालय है, वहाँ पर अभी समझ लो आप 80 लाख रुपये से और पूरी उसकी रेनोवेशन हुई है, कॉन्फ्रेंस हॉल उसके बने हैं पूरी, उसमें अभी पीछे उद्घाटन भी हुआ था, RO प्लांट लगने और सारी सुख सुविधाएं उसके अंदर हैं। और इसके अलावा भी आप देखो तो रमेश नगर जो कन्या विद्यालय है, वहाँ पे भी जो बाउंड्री वॉल है और अंदर के हैं, सारी चीज़ें एक अच्छी लुक में आ रही हैं, ताकि बच्चों, जो हम पढ़ाई शिक्षा की बात करते हैं, तो बच्चों का इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है, अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छी बिल्डिंग होती है, तो लगता है कि भाई यहाँ उनको भी एक शिक्षा के प्रति वो भी अग्रसर होते हैं, ये काम हो रहे हैं। इसके अलावा कॉलोनी के जितने भी काम हैं, सड़कों के भी आप देखो 70 लाख रुपए से 3 सड़कें भी बनी थी, जो फन सिनेमा के सामने वाली, रमेश मेट्रो स्टेशन के सामने से जाती है, और एक बाली नगर से, तीनों सड़कें MCD की थी और विधायक शिवचंद गोयल जी के फंड से 70 लाख के तो ये रिसेंटली काम हुए हैं। और इसके अलावा भी जो है कामों में कोई कमी नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ है, अब जैसे MCD कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, अभी शारदापुरी की एक सड़क है और वहाँ पे एस्टीमेट बना उसका, लेकिन जब MLA साहब ने वहाँ पे फंड देने की बात करी तो कहते हैं ये फाइल तो जो है अपना दिल्ली नगर निगम की तरफ से पहले से लगी हुई है। तो मैंने उनको पूछा कि मेरे फंड देने को तैयार हैं, आप उनसे फ़ंड ले लीजिए। वो कहते जी नहीं, जब तक ये फाइल जो है ऊपर से रिजेक्ट नहीं हो गई तब तक MLA से फ़ंड नहीं लगा सकता। तो ये थोड़ी सी जो इन कामों में जो राजनीति होती है उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर हम बात करें शिवचंद गोयल की, तो वो MLA तो हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के MLA, आम आदमी पार्टी की स्टैम्प नहीं लगी हुई है, वो सभी जनता के MLA हैं। ऐसे जो भी हमारा निगम पार्षद है वो सभी जनता के लिए है, तो जनता के कामों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ के अगर काम होंगे तो क्षेत्र का विकास ज़्यादा होगा, और शिवचंद गोयल जी क्षेत्र के विकास में बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और आप सौंदर्य के नाम से अगर आप देख लो, तो पूरी 80 फुट की रोड जो है PWD की, उस पर रेलिंग का काम दोबारा से लग रहा है, पटरियाँ नहीं बन रही हैं। अभी आप देख लो पंजाबी बाग जहाँ शमशान घाट के पीछे शुरू होके और पूरे मायापुरी चौक तक जो सर्विस लेन है, फर्स्ट टाइम जो है वो अपनी सड़क जो बनी है और बिल्कुल वो वहाँ पे ग्रिलें वगैरह लगी हैं, नई रेलिंग वगैरह लगी है, तो काम सब जगह हो रहे हैं। और उसके अलावा आप देखो तो मोतीनगर अगर बाउंड्री की हम बात करें, जैसे यहाँ पे कीर्तन मेट्रो स्टेशन है, उधर जो है जखीरा है, इधर मायापुरी है, उसके बाद राजा गार्डन है, उसके बाद पंजाबी बाग है, तो एक मोतीनगर जो बाउंड्री है इसके सौंदर्यीकरण के लिए बहुत ही बढ़िया काम है। सभी फ्लाईओवर के नीचे जो पहले मलबे और सुनसान जगह होती थी, आज वहाँ पे सौंदर्यीकरण हो रहा है, वहाँ पे ग्रीनरी हो रही है हर जगह पे, तो ये काफ़ी सारे रिसेंटली काम है। और कामों की तो पूरी लिस्ट है और काफ़ी कुछ एक किताब भी उन्होंने रिलीज़ करी है जिसमें बहुत सारे काम है, पूरे सारे काम है अभी आपको इतनी जल्दी बता नहीं सकता, मुख्य काम मैंने आपको बताएंगे। अभी आपकी पार्टी ने नए प्रकोष्ठ बनाए हैं,
उसके पीछे कौन कौन से प्रपोज्ड हैं वो और उसके पीछे क्या उद्देश्य? अभी हमारी पार्टी के माननीय गोपाल राय जी ने कल ही उसमें अनाउंस किया है, वहाँ पे एक तो नया प्रकोष्ठ किराएदार प्रकोष्ठ बनाया है, झुग्गी झोंपड़ी प्रकोष्ठ भी था उसको भी इन्होंने अभी कल उसमें भी नए पदाधिकारी लेकर अनाउंस किया है। इसके साथ साथ जो है अपना रेहड़ी पटरी का प्रकोष्ठ बनाया है, उसके साथ आप देखो मैं खुद भी आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग से जुड़ा हूँ, आप ट्रेड विंग से, ये प्रकोष्ठ पहले से थे, पूर्वांचल विंग, उत्तरांचल विंग, और ये प्रकोष्ठ बनाने का सिर्फ सिंपल सा ये अपना मेथड है कि भाई इसके अंदर जो है कि इसमें जैसे उनकी समस्याएं उस प्रकोष्ठ के जो नागरिक हैं उस प्रकोष्ठ के जो जैसे रेहड़ी पटरी से रेहड़ी पटरी की समस्याओं को दिल्ली सरकार तक पहुंचाना, आज झुग्गी झोंपड़ी का प्रकोष्ठ बनाने का है जो उसके पदाधिकारी हैं जो उसकी टीम बनती है वो अपनी समस्याएं डायरेक्टली जो है दिल्ली सरकार तक पहुँचाएँ। ऐसे ही किराएदारी प्रकोष्ठ किसी भी पार्टी का नहीं था, उसका मकसद ये था कि कुछ जो उनकी समस्याएँ हैं वो भी वहाँ तक पहुँचें सरकार तक, जिसको वो हल भी करवाएँ और इसी के माध्यम से जो है अपना जो है समस्याओं का हल होगा, उनके सुझाव सरकार तक आएंगे, उनके हिसाब से विकास कार्य होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, मतलब कि जैसे कि आपकी सरकार आपके द्वार या आम आदमी पार्टी की सरकार और हर एक एक आम आदमी से जुड़े, उसके आम आदमी से नहीं कि हम पार्टी से जुड़े, इसलिए कि उसके जो काम हैं एक 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 आम आदमी के काम जो हैं जो पहले वो नहीं करा पाता था तो बिल्कुल वो अपने काम करा पाए, अपनी आवाज़ उठा पाए, उसी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने के लिए ये प्रकोष्ठ बनाए हुए हैं। और आपने देखा कि आप ट्रेड विंग ने पीछे व्यापारी की आवाज़ कितनी मुख्य रूप से पहुँचाई, आज ब्रजेश गोयल जी को टिकट भी मिली है नई दिल्ली से, तो मेन प्रकोष्ठ का मीनिंग यही है कि उस प्रकोष्ठ की स्पेशल जो समस्याएं सीधी सरकार तक पहुंचे और उसका सरकार के द्वारा जो किए गए कामों का उनको बेनिफिट मिले। अभी एक डोनेशन अभियान भी चल रहा है आपकी पार्टी की तरफ से, उसके बारे में कुछ डोनेशन का आप देखो कि ये पार्टी ही डोनेशन से चलती है। अभी तालकटोरा स्टेडियम में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और सभी मंत्री मौजूद थे और डोनेशन अभियान की हमने विधिवत शुरुआत करी है। इसके अंदर एक कार्ड है जो सबसे फिलअप हम करवा रहे हैं, व्यापारी वर्ग के कार्ड भी मेरे को भी दिए अभी हमारे दिल्ली कार्ड जो लेके हम लोग उसमें क्या कि किसने डोनेशन देनी है, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि आप 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया 10000 रुपया कोई भी आप डोनेशन दो, क्योंकि ये पार्टी जो है एक आम आदमी की एक एक रुपए की डोनेशन से चलने वाली पार्टी है। अभी केजरीवाल जी ने कहा कि जी मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, अगर आज मुझे पैसे इकट्ठे करने हों तो अगर दिल्ली में बिजली का रेट 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया जाए तो बिजली कंपनियाँ शाम तक मुझे 200 करोड़ रुपया दे देंगी। आज दिल्ली का जो बजट है वो 53,000 रुपया साल का है जो दिल्ली सरकार का है, तो 4 साल में सपोज करो आप 2 लाख करोड़ का जो बजट दिल्ली सरकार का बनता है और सब काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं जो विकास के कार्य हैं। अगर आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर मैं उनको कहूँ जी 1% कमीशन भिजवा दो तो 2000 करोड़ मेरे पास आ जाता है, और ये वाकई में सही बात है कि जिस पार्टी की सरकार बन जाती है उसको डोनेशन की कमी नहीं होती, लेकिन आज दिल्ली की सरकार तो मालामाल है क्योंकि आज आप देख लो 4 करोड़ से फंड विधायकों के 10 करोड़ कर दिए, कोई भी काम रुक नहीं रहा, चाहे वो बसें खरीदने का काम हो, चाहे वो अपना जो है शिक्षा का काम हो, चाहे वो स्वास्थ्य का काम हो, हर क्षेत्र में पैसे की वजह से काम रुक नहीं रहा, तो दिल्ली सरकार मालामाल है। लेकिन उसके विपरीत जो पार्टी है वो कंगाल है। पहले क्या होता था कि पार्टियाँ तो मालामाल हो जाती थी और सरकार कंगाल होती थी, तभी तो सरकारें कहती थी कि जी फंड्स की कमी है, आज दिल्ली में फंड्स की कमी नहीं है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी पार्टी के पास फंड की कमी है, हमें फख्र होता है कि हमारी ईमानदार पार्टी है और हमें ये जो डोनेशन अभियान चलाया हुआ है इसमें हरे के पास हम जा भी रहे हैं और बहुत लोग स्वेच्छा से अपनी जो है अपना योगदान राष्ट्र के निर्माण के लिए सरकार को दिल्ली सरकार को दे भी रहे हैं, आम आदमी पार्टी को दे भी रहे हैं, क्योंकि आज ईमानदारी की राजनीति की जो शुरुआत करी है आम आदमी पार्टी ने इसका सबके सबका इसमें समर्थन मिल रहा है। आपको मैं बताऊं मैं अभी अपने डॉक्टर साहब के पास गया परसों अपना बुखार दिखाने के लिए, तो उन्होंने मैंने बात नहीं करी डॉक्टर साहब से, क्या मैं बात करूंगा, उन्होंने कहा जी आपकी पार्टी डोनेशन का जो अभियान चलाया हुआ है, मैं कहा हाँ जी डॉक्टर साहब डोनेशन का अभियान चलाया हुआ है, कह जी उसमें मैं भी डोनेशन देना चाहता हूँ। मैं अपनी कार में से जाके फार्म लेके आया, वो कार्ड लेके आया और मैंने उनका नाम उसमें लिखा, उनकी फ़ोटो मैंने खींची और उन्होंने रिकमेंड भी किए, अपनी वाइफ का नाम रिकमेंड किया, अपनी डॉटर का नाम रिकमेंड किया और उन्होंने मुझे बताया कि 2 नाम रिकमेंड किए, 3 नाम मैं और दूंगा, तो 5 नाम रिकमेंड किए और खुद का नाम उन्होंने लिखवाया कि भाई मैं इसमें 500 रुपया महीना डोनेशन देने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग इस डोनेशन वाले काम को हाथों हाथ ले रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि आज आम आदमी पार्टी जो है ईमानदारी से राजनीति कर रही है और से राजनीति करने का पूरा समर्थन जनता का उनको मिल रहा है, तो ये हमारा डोनेशन अभियान है। 2019 लोकसभा चुनाव नई दिल्ली क्षेत्र आप देखते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं कैसे तैयारी चल रही है?
2019 लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनावों का दिल्ली की जनता को और पूरे देश की जनता को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। इंतज़ार इसलिए है क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होने, ये लोकसभा 5 साल की बनती है, लेकिन इन 5 सालों में जो जो कुछ हुआ जो आज तक नहीं हुआ, तो वो आज हम महसूस कर रहे हैं। हम उस वक्त छोटे थे जब इमरजेंसी लगी थी 1975 के अंदर, वो घोषित इमरजेंसी थी जो बहुत जल्दी उस वक्त लगाई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम थे, काफ़ी अच्छे चीज़ें उसमें थी, कुछ चीज़ें उसमें बुरी भी थी, लेकिन हमें इतना मालूम नहीं उस वक्त का। लेकिन आज अघोषित इमरजेंसी है, नोटबंदी हो जाए, GST हो जाए, दरें बहुत ज़्यादा हैं, और आज व्यापारी हो, आम नागरिक हो, आज दिवाली के दिन चल रहे हैं, बाज़ार सूने पड़े हुए हैं। तो मैं लग कि मेन है कि देश की अर्थव्यवस्था में आज आम आदमी की जेब में पैसा नहीं है। आज पेट्रोल के दाम जो है ये बढ़ रहे हैं, इस पे रोक नहीं है। पेट्रोल और डीजल के दामों से देखो, हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों का हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है। तो आज महंगाई की मार इतनी हो गई है कि जिसकी वजह से जनता त्रस्त है। और उसके साथ साथ मैं लोकसभा चुनाव के बारे में बताऊं, हमारे क्षेत्र नई दिल्ली के क्षेत्र से हमारे साथी ब्रजेश गोयल जी को, जिनके साथ हमने आप ट्रेड विंग में खूब काम किए, खूब आंदोलन किए और एक व्यापारी के हित की आवाज़ हम पहुँचाते रहे पिछले 3-4 साल में, उनको टिकट देकर आम आदमी पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को खुशी दी है कि भी एक आम कार्यकर्ता भी यहाँ पे टिकट ले सकता है। वो नहीं कि जैसे पुराना दूसरी पार्टियों में बड़े बड़े नेताओं को टिकट मिलती थी। और जमीन से जुड़े नेता हैं ब्रजेश गोयल जी, उनके साथ हम चुनाव अभियान हमने शुरू किया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि भाई आज देख लो आप, जो हमारे दिल्ली के 7 सांसद हैं, दिल्ली का व्यापारी वर्ग हो, क्योंकि मैं व्यापार से जुड़ा हूँ इसलिए बात करता हूँ मैं, हमारे मार्बल की मार्केट, चाहे छतरपुर का बाजार है, रजौरी गार्डन का बाजार है, इसके अलावा अमर कॉलोनी का बाजार है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ऐसे बाजार हैं कि जो आज सीलिंग की मार में बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। लेकिन आज क्या है, आज हम लोग आवाज़ उठाते हैं दिल्ली सरकार में, विधानसभा में। आज सांसद जो हम चुनते हैं, जनता के चुने हुए होते हैं, उनसे हम मिलने के लिए गए, हमें मिलकर कोई राजी नहीं सीलिंग की समस्या पर। और आज आप देखो कि भाई आज हम इसलिए नुमाइंदा चुनते हैं कि संसद में हमारी आवाज़ उठाई जाए, जहाँ पे कानून बनते हैं, लेकिन वहाँ कोई पेश नहीं हुई। इससे जनता को बेसब्री से इंतजार है, अपने आम आदमी को संसद में भेजने का ये इंतजार है हमारे को लोकसभा चुनावों का। और लोकसभा चुनावों में दिल्ली के 7 सांसद जो आम आदमी पार्टी के आएंगे, और दिल्ली के विकास कार्य और तेजी से बढ़ेंगे जब दिल्ली के सांसद दिल्ली के विधायकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, तो दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा। और एक दिल्ली के नाते और एक देश के नाते हमें लोकसभा चुनाव का इंतजार है, और इस बार जो है जो चीज़ें हैं काफ़ी सुधरेंगी, और जनता का जो दिल के अंदर एक आक्रोश है वो वोट के माध्यम से आम चुनावों में जो लोकसभा है उसमें निकलेगा, और ये सरकार बिल्कुल ही केंद्र की सरकार चेंज होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना कीजिए और अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए अपना चैनल न्यूज़ 81 एंटरटेनमेंट।